मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के अधिकारियों ने दहीसर चेकनाका के पास से नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का भंडा फोड़कर 7 करोड़ की 2000 रुपये की नकली नोटों का यह जखीरा बरामद किया है। इस मामले में यूनिट 11 के अधिकारियों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लैपटॉप, 7 फोन, गाड़ी और भारी मात्रा में सिम जब्त किया है। मुंबई में पकड़ा गया यह नकली नोटों का जखीरा नोटबंदी के बाद बड़े नकली नोटों के कैश बरामदगी का मामला बताया जा रहा है। पकड़ी गई यह नकली नोट चुनावी राज्यों में इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है। बहरहाल क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के अधिकारी इस मामले में और अधिक जांच पड़ताल करने में जुट गए हैं। हम आपको सुनाते हैं विनायक चौहान इस संबंध में और क्या जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये डुप्लीकेट नोट 7 करोड़ का है, 2000 की नोट है और ये चेक नाके पे दहीसर चेक नाके पे पकड़ा है उसको। उसको अंधेरी से वो आने वाले थे और वो नेशनल पार्क पे हमारी एक टीम थी और दूसरा टीम चेक नाके पे थी। वो ओला कार वहाँ पे दबोच लिया और उसमें से वो बरामद की। सर, ये कहाँ से लाया था, कितने आरोपी को हिरासत में लिया है और किधर जा रहे थे, कुछ इसके लिए इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? अभी तक 7 आरोपी को ताबे में लिया है और ये नोट अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली से लाया था उन्होंने, आगे की तफ्तीश चालू है। सर, और इसमें कुछ लोग की सहभाग है क्या, एक ही गाड़ी में 7 लोग आए थे क्या, कोई अलग गाड़ी थी क्या, और ये नोट की क्वालिटी कैसी है? नोट की क्वालिटी मीडियम क्वालिटी है मगर मार्केट में चल सकती है। ये 4 अक्यूज गोरेगांव चेकनाके पे पकड़े और बाकी अंधेरी से उठाए थे। सर, इसमें यह बरामद की कोई मशीन या कुछ ऐसा कुछ इस्तेमाल? उसके बारे में अभी तब इन्वेस्टिगेशन चालू है।